पालक की सब्जी तो आपने बहुत तरीके से बनाई और खाई होगी, तो आज मैं बना रही हूँ आलू पालक की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक आलू की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पालक लिया है। इसके जड़ को मैंने काट कर हटा लिया है और डंठल के साथ ही हम पालक को लेंगे। डंठल हटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मोटे पतले जैसे भी डंठल हो उनके साथ ही आप लीजिए। पालक को धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे। अब कुकर में 8 से 9 मैं छोटे साइज के आलू डाल रही हूँ। अगर आप बड़े साइज के आलू डाल रहे हो तो उन्हें काट कर डालें। अब आधा कप मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, ज्यादा पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने जो पालक अच्छे से धोकर साफ किया है इसे डाल देंगे आलू के ऊपर। तो यहाँ पर लग रहा है कि कुकर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, पालक को इस तरीके से मैं हल्का सा दबाकर इसका ढक्कन लगा दूंगी। पालक सॉफ्ट होके कम हो जाते हैं और इसमें सिर्फ एक सीटी हमें लगाना है। एक सीटी लगाने के बाद इसका प्रेशर खत्म होने के बाद ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए पालक अच्छे से पक चुका है, ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और छोटे साइज के मैंने आलू डाले थे इसकी वजह से आलू भी एक सीटी में आराम से पक जाते हैं। और ये जो पालक वाला पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, आगे हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब पालक को हम ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में डालकर इसे बिना पानी डाले अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पालक अच्छे से पिस चुका है, तो बस ऐसे ही हमें पालक को पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद इसमें 1 तेज पत्ता को तोड़कर इस तरीके से डाल देंगे। जीरा अच्छे से तड़क जाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ 1 प्याज डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर हमें पूरा नहीं भूनना है, हल्का सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। तो प्याज हल्का सॉफ्ट हो रहा तब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च को हम कूट लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज हल्का सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो लहसुन अदरक और मिर्च कूटा है ना इसे डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पेस्ट भी डाल सकते हैं इन सब का, लेकिन इस तरीके से कूट के डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। अब प्याज के साथ इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। तो जितना प्याज डाले उसी हिसाब से आप टमाटर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब टमाटर डालने के बाद यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च है ये। अब आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इन मसालों को चलाते हुए हम टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे सब्जी के हिसाब से, और इन्हें हम 1.5 से 2 मिनट भून लेंगे यहाँ पर ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे टमाटर को हमें मैश करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो आलू उबाल के रखे थे उन्हें इस तरीके से काट कर डाल देंगे। अब हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट जब आलू को इस तरीके से मसालों के साथ भूनते हैं ना तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे, इस तरीके से आलू को साइड साइड कर देंगे और यहाँ पर हमने जो पालक को पीस कर रखा था ना उसे डाल देंगे। पालक डालने के बाद अब इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इस तरीके से मसाले, आलू और पालक सब भून जाते हैं और एकदम आसान तरीके से पालक आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब हम 2 से 3 मिनट पालक को भूनने के बाद क्या करेंगे कि हमने जो पालक उबाला था और उसका पानी बचा हुआ था सब्जी में, उस पानी को डाल देंगे और जार में भी डाल के हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। तो सब्जी का थिकनेस जैसा आपको रखना है उस हिसाब से आप पानी डालें। पानी डालने के बाद अब इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसके बाद इसे अच्छे से ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट उबाल आने देंगे, पकने देंगे, ताकि मसालों का टेस्ट सब्जी के अंदर अच्छे से आ जाए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। ये देखिए पालक आलू की टेस्टी सब्जी बनकर रेडी है एकदम आसान तरीके से। ये देखिए सब्जी का थिकनेस,
तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।